बात है 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, औरतें और नौजवान जमा थे। उनमें से कुछ अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा पकड़े गए अपने नेता की रिहाई मांग रहे थे और कुछ बैसाखी की प्रार्थना गोल्डन टेम्पल में अदा करने के बाद वहाँ आराम करने रुके थे। इतने में ब्रिटिश सेना का जनरल डायर अपनी हथियारबंद टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँचा। उस बाग से निकलने का एक ही रास्ता था। उस रास्ते को रोककर वो खड़ा हो गया और बिना किसी चेतावनी उसने शूट ऑर्डर दे दिया। 1650 राउंड गोलियां दागी गई और जानने वाले बताते हैं कि 1500 लोग मारे गए। लोग उस वक्त इतने बेबस और डरे हुए थे कि उस खाली बाग में एक कुएं के सिवा कुछ नहीं था। लोग अपनी जान बचाने उस कुएं में कूद पड़े पर बचा ना सके। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक 12 साल का लड़का अपने गांव लायलपुर से, जो कि जलियांवाला बाग से 40 किलोमीटर दूर था, पैदल चलकर जाता है। वहां वो खून से सनी बाग की लाल मिट्टी एक बोतल में भरकर इस कसम के साथ अपने गांव लौट आता है कि एक दिन देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएगा। इस 12 साल के लड़के का नाम था भगत सिंह और इतिहास गवाह है इस बात का कि आज़ादी की लड़ाई में ये लड़का एक सूरज की तरह चमका, जिसके आगे सभी सितारे फीके पड़ गए। भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां से हमारा पूर्ण स्वराज का सपना सच होता दिखने लगा। अगर भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई में ना कूदे होते तो शायद हम 1947 में भी अंग्रेज़ों से डोमिनियन स्टेटस की भीख मांग रहे होते। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर बंगा, जो कि पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रोविंस के फैसलाबाद शहर का एक गांव है, वहां हुआ था। भगत सिंह के पिता श्री किशन सिंह जी और माता श्रीमती विद्यावती थी। भगत सिंह का परिवार एक देशभक्त और क्रांतिकारी परिवार था, जो देश की आज़ादी, देश की भलाई के लिए हमेशा लड़ा। भगत सिंह के पिता श्री किशन सिंह जी, चाचा अजीत सिंह जी और चाचा स्वर्ण सिंह जी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा गदर पार्टी के भी मेंबर्स रहे। गदर पार्टी का वो सितारा करतार सिंह सराबा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह उन करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानते थे और उनकी एक फ़ोटो हमेशा उनके जेब में होती थी। चाचा अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी बनाई, लेकिन अपनी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफत के कारण उनको देश छोड़ना पड़ा। पूरी आज़ादी की लड़ाई वो अपने वतन 1947 में लौटे, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुलावे पे। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी लाहौर से हुई, क्योंकि दादाजी श्री अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। उनके दादा श्री अर्जुन सिंह जी की देशभक्ति आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को ऐसे किसी स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जो किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ी हुकूमत से जुड़ा हुआ था। जब भगत सिंह 4 साल के थे तो एक बार अपने पिता और उनके दोस्त के साथ खेतों में घूमने गए। वहाँ उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप खेतों में क्या बो रहे हैं। उनके पिता ने हंसकर कहा, आम बो रहा हूँ लाले, कल आम के पेड़ बड़े होंगे तो ढेर सारे आम लगेंगे। भगत सिंह ने तुरंत ही कहा कि मैं बॉम्ब और पिस्तौल बोऊँगा, फिर ढेर सारे बॉम्ब और पिस्तौल लगेंगे जिनसे मैं देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराऊँगा। उन दिनों भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे और गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने और उनमें भाग ले रहे आंदोलनकारियों की सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। बात है, महंत नारायण दास ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर 140 सिख श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का विरोध प्रदर्शन हुआ तो भगत सिंह ने काली पगड़ी बांधकर इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तब वो सिर्फ 14 साल के थे। बात साल 1922 की है। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर पहुंच चुका था। देश के कोने कोने से क्या बच्चे, क्या बूढ़े, औरतें
सभी इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे और लग रहा था कि देश 1857 के बाद दोबारा एकजुट होकर एक नई क्रांति की दिशा में बढ़ रहा है। फिर आई 4 फरवरी की वो शाम, चौरी चौरा, जो गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला। असहयोग आंदोलनकारियों का एक जत्था विदेशी शराब और विदेशी कपड़ों का विरोध कर रहा था। जैसे ही यह जत्था बाजार में पहुंचा, पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प हो गई और एक सब इंस्पेक्टर ने भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस की गोलियों से 11 लोग मारे गए। इससे भीड़, जो कि 2500 की संख्या में थी, ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कुछ पुलिस वालों को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। कुल 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस बात से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना का युवा आंदोलनकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका एक तरह से असहयोग और अहिंसा से मोह भंग हो गया। उन युवा क्रांतिकारियों में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। उस वक्त भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। भगत सिंह उस वक्त तक हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी और गुरुमुखी इतनी भाषाओं को अच्छे से जान चुके थे। वो अपने कॉलेज के दिनों में भी क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर थिएटर और नाटकों के माध्यम से देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया करते थे। यहाँ सुखदेव और भगवती चरण वोरा इनके मित्र बन गए थे। अपने बेटे की क्रांतिकारी तेवर को उनके पिता किशन सिंह जी ने भांप लिया था और सोचा कि इनकी शादी करा दी जाए, पर भगत सिंह अपना रास्ता और अपने सपने चुन चुके थे। साल 1923 की एक शाम उन्होंने एक खत अपने पिता के नाम लिखा। तब भगत सिंह की उम्र 15 साल की थी। इस पत्र में उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी देश की आज़ादी के नाम कर दी है और शादी, विवाह, घर, गृहस्थी जैसी सामाजिक बंधनों से उनका कोई सरोकार नहीं। ये चिट्ठी लिखकर वो 1923 में कानपुर आ गए। कानपुर उस वक्त क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह के गुरु रहे जयचंद्र विद्यालंकर जी ने भगत सिंह को एक चिट्ठी दी थी गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम। गणेश शंकर विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता भी थे और प्रताप नामक पत्रिका के संपादक भी। कानपुर आकर भगत सिंह ने प्रताप नामक पत्रिका ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ ज्वाइन कर लिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह धीरे धीरे अपने लेखों और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण दो लोगों में प्रसिद्ध हो रहे थे। एक तो थे भारत के युवा और दूसरी अंग्रेजी सरकार। भगत सिंह दुनिया भर के क्रांतिकारी विचारों को पढ़ रहे थे और अपनी लेखनी के जरिए भारत के युवाओं तक पहुंचा रहे थे। अंग्रेज़ी हुकूमत को यह एहसास हो गया था कि यह लड़का हमारे लिए खतरा बन सकता है। मई 1927 को भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार था जब भगत सिंह जेल गए। तब भगत सिंह 20 साल के थे और केस डाला गया अक्टूबर 1926 में दशहरा के पर्व में फोड़े गए बम का। हालांकि ये केस झूठा था, पर फिर भी अंग्रेज़ी सरकार को लगा कि इससे भगत सिंह डर जाएंगे और उनकी आवाज़ दब जाएगी। उस ज़माने में 60,000 रुपये का बेल बॉन्ड शर्त के स्वरूप रखा गया। पर 5 हफ्ते की जेल के बाद भगत सिंह के पिता श्री किशन सिंह जी ने यह बॉन्ड भरकर भगत सिंह को रिहा करा लिया। ये वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है जिनके मेंबर्स थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्रनाथ सानिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से भगत सिंह का मिलना ठीक वैसे ही था जैसे बारूद के कनस्तर से चिंगारी का मिलना। इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को जड़ से हिला कर रख दिया।
एचआरए के चार लीडर्स अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से बच निकलकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि भगत सिंह का इस घटना में सम्मिलित होने का कोई प्रमाण नहीं है, पर थे तो वो एचआरए के मेंबर और एक शानदार क्रांतिकारी। अपने साथियों की फांसी से उन्हें गहरा आघात हुआ और लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने उन्हें जेल से छुड़ाने की एक योजना भी बनाई थी, पर पुलिस बल ज़्यादा होने की वजह से वो अपने इरादों को अंजाम नहीं दे पाए थे और अपनी बेबसी पर एक शाम फूट फूट कर रोए थे। 8 और 9 सितंबर 1928, स्थान दिल्ली का फिरोजशाह कोटला। इन दो दिनों के लिए देश के छोटे छोटे क्रांतिकारी दल एवं उनके क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथियों के साथ बैठक में मिले। भगत सिंह की अगुवाई में सुखदेव, भगवती चरण बोरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर आदि लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दी और उन छोटे छोटे दलों का विलय HSRA में कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से नहीं आएगी जब तक समाज में शोषण, चाहे वह जाति, धर्म, संप्रदाय या अमीरी गरीबी के आधार पर हो, तब तक सही मायनों में आज़ादी नहीं आ सकती। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 मेंबर कमेटी भेजने का फैसला किया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर चर्चा होनी थी और कुछ रियायत देने की बात थी। हमारे क्रांतिकारी, जो पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहते थे, ने साइमन कमीशन का विरोध करने की सोची। दिन तय हुआ 30 अक्टूबर 1928। इस दिन कमीशन लाहौर आने वाला था। नौजवान भारत सभा ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और कमीशन को काले झंडे दिखाए। वहां मौजूद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट ने भीड़ पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और सॉन्डर्स और उनके अन्य पुलिस साथी ने भीड़ पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लाला जी इस लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए और इस लाठी चार्ज के 17 दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाला जी ने जाते जाते कहा था कि मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत की कील साबित होगा। HSRA ने निर्णय किया कि इस हत्या का बदला तो लेना पड़ेगा। योजना बनी स्कॉट को मारने की, जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। 4 लोगों की टीम बनी। वो 4 लोग थे जय गोपाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। जय गोपाल का काम था स्कॉट पर नज़र रखना, लेकिन जय गोपाल ने स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को पहचान लिया। यह तय हुआ था कि पहली गोली भगत सिंह चलाएंगे, लेकिन राजगुरु तो ठहरे राजगुरु। वो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए हमेशा उतावले रहते थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और पहली गोली चला दी। भगत सिंह ने सॉन्डर्स को पहचान लिया था और उन्होंने आज़ाद को आवाज़ भी लगाई कि पंडित जी, ये स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 3 गोलियां सॉन्डर्स को मारी। एक भारतीय पुलिस अफसर ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे गोली मार दी और तीनों DAV कॉलेज के रास्ते भाग निकले। अगले दिन HSRA ने ये पोस्टर सब जगह लगा दिए कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जा चुका है। सॉन्डर्स की मौत ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी। सॉन्डर्स की मौत के बाद चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह अंडरग्राउंड हो गए। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी, मूंछ, बाल कटवा लिए और दुर्गावती, भगवती चरण वोरा की पत्नी, जिन्हें सभी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे, को अपनी पत्नी बना भेष बदल कोलकाता चले गए। यहाँ वो बंगाली क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जिनमें से जतिन दास भी एक थे। ये वही जतिन दास थे जिन्होंने HSRA को बॉम्ब बनाना सिखाया और इसी बॉम्ब का इस्तेमाल बाद में सेंट्रल असेंबली की बॉम्बिंग में हुआ।
सॉन्डर्स के मर्डर के बाद भगत सिंह समझ चुके थे कि उनके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जब भी उन्हें पाएगी मौत की सज़ा सुनाएगी। लेकिन तब तक उनके मन में इनकलाब और इनकलाब का रास्ता अपनी शक्ल ले चुका था। वो समझ चुके थे कि इस क्रांतिकारी मूवमेंट को किस दिशा में मोड़ना है। वो अपने बचे खुचे दिन अपने विचारों और आज़ादी की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाने में लगा देना चाहते थे। वो एक घटना से खासे प्रभावित थे। ऑगस्ट वायलेंट, जो एक फ्रेंच क्रांतिकारी था, ने फ्रेंच असेंबली में बॉम्ब फेंककर पूरी दुनिया का ध्यान फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ खींच लिया था। भगत सिंह ने भी कुछ ऐसा करने की सोची। भगत सिंह ने अपने साथियों के सामने ये विचार रखा कि क्यों ना हम भी सेंट्रल असेंबली, जो आज दिल्ली का पार्लियामेंट है, में बॉम्ब फेंका जाए। हम बॉम्ब फेंकेंगे ज़रूर, पर वहाँ से भागेंगे नहीं। इस घटना और इस घटना के बाद जो ट्रायल होगा, उससे हम अपने विचार देश और पूरी दुनिया तक पहुँचा सकेंगे। पार्टी ने यह विचार मान तो लिया, पर भगत सिंह को इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया, क्योंकि पार्टी अपने नेता को नहीं खोना चाहती थी। उस मीटिंग में सुखदेव मौजूद नहीं थे। याद रहे, सुखदेव भगत सिंह के बहुत करीबी मित्र थे। जब सुखदेव को इस बात का पता चला कि इस प्लान का हिस्सा भगत सिंह नहीं है, तो वो भगत सिंह से काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने भगत सिंह को काफ़ी बुरा भला कहा, यह तक कह दिया कि तुम डर गए हो मौत से। क्योंकि सुखदेव जानते थे कि जब ट्रायल होगा, तो उस ट्रायल में हम क्रांतिकारियों की बात देश और दुनिया तक भगत सिंह से अच्छा कोई नहीं पहुंचा सकता। आखिरकार सबने हामी भर दी और भगत सिंह को इस प्लान का हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी। 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके। बॉम्ब को जानबूझकर कम तीव्रता वाला बनाया गया था और खाली बेंचेस की तरफ फेंका गया था। वहां बॉम्ब से किसी की मौत नहीं हुई। कुछ लोग थोड़े बहुत घायल हुए। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद उन्होंने HSRA के द्वारा डिजाइन किया पैम्पलेट्स, जिनमें उनके मांग, उनके विचार लिखे थे, पूरे असेंबली में बिखेर दिए। और जैसा कि तय हुआ था, दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी। ट्रायल चला। 12 जून 1929 को दोनों क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। जयगोपाल, जो कि सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर के साथ था, गिरफ्तार हो गया और बाद में सरकारी गवाह भी बन गया। फिर भगत सिंह पर सॉन्डर्स मर्डर केस का मुकदमा चला और उन्हें दिल्ली जेल में अपने साथियों से अलग मियांवाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस मियांवाली जेल में उन्होंने देखा कि यूरोपीय प्रिजनर्स और भारतीय प्रिजनर्स में भेदभाव हो रहा है। उन्होंने जेल अथॉरिटी से मांग की कि उन्हें और उनके साथियों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दिया जाए। खाने को साफ खाना, पहनने को साफ कपड़े, पढ़ने को किताबें, अखबार, लिखने के लिए पेन, और जेल में यूरोपीय प्रिजनर्स के बराबरी का दर्जा दिया जाए। इन मांगों के लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल का असर देश के कोने कोने में हुआ। ये भूख हड़ताल पूरे 116 दिन चली। 116 दिन, ये किसी भी क्रांतिकारी इतिहास में चली सबसे लंबी भूख हड़ताल है। जतिन दास, जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंके हुए बम बनाने में मदद की थी, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई। पर जैसा भगत सिंह ने सोचा था, हुआ वैसा। उनकी लगाई इनकलाब की आग पूरे देश में फैल गई। उनके सपोर्ट में हजारों, लाखों की संख्या में लोग जुलूस निकालने लगे। कई कांग्रेसी नेता भी उनकी रिहाई की मांग करने लगे। अंग्रेजी हुकूमत ये समझ गई थी कि भगत सिंह के जीवन का एक एक दिन इस क्रांति को और बड़ा बनाएगा। अंग्रेजी सरकार शायद जेल में बंद किसी क्रांतिकारी से इतना नहीं डरती थी।
सॉन्डर्स मर्डर ट्रायल को लाहौर कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह से डरती थी क्योंकि वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सोच सकते थे। वो हथियारों की क्रांति और विचारों की क्रांति दोनों कर रहे थे। भगत सिंह के इरादे पानी की तरह साफ और सोच तलवार की तरह तेज थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। लॉर्ड इरविन ने उनके ट्रायल को तेजी से खत्म करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें कोर्ट भी नहीं ले जाया जाता था और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उनके एब्सेंस में ही चलती थी। आखिरकार 24 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। पर अंग्रेजी हुकूमत इन तीनों से इतना डर गई थी कि उन्हें चुपचाप 23 मार्च शाम 7:30 बजे ही फांसी दे दी गई। और फांसी देने के कुछ समय बाद ही जेल की पिछली दीवार तोड़कर उनकी लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बोरों में भरकर और सतलज नदी के किनारे जला दिया गया। हमारे हीरोज को भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, उनकी कहानी बम और पिस्तौल मात्र ही नहीं थे, उनके विचार, उनके लेख उतने ही क्रांतिकारी थे जो किसी भी खुशहाल समाज की स्थापना के लिए प्रासंगिक थे और हमेशा रहेंगे। आज हमें ज़रूरत है भगत सिंह को जानने से ज़्यादा समझने की। अगली बार जब हम मिलेंगे तो चर्चा इस बात की होगी भगत सिंह के विचारों पे, उनके राइटिंग्स पे। तब तक के लिए द स्टोरी टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.